हाँ जी, गेटवे टू इंग्लिश चैनल पे एक बार फिर थोड़ा सारे का निघा स्वागत किया जाता है। इस वीडियो दे विच आपां क्लास 10th पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की जो क्लास 10th का सिलेबस है उस विचों ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी इस वीडियो दे विच आपां कवर करांगे। पूरे तुहाडे सिलेबस दे विच फुल साल का जो बेटा सिलेबस है उस दे विच 8 लैसन है तुहाडे कोल मेन कोर्स बुक दे, ठीक है। तो हरेक लैसन विचों तकरीबन 10 सेंटेंस ने जिहड़े इंग्लिश टू पंजाबी ट्रांसलेशन दे बोर्ड वल्लों प्रिस्क्राइब्ड ने, ठीक है। इन्हां सेंटेंसिस विचों ही तुहाडे कोल एग्जाम दे विच सेंटेंस आउणगे, ठीक है। तो वह तुहानूं ट्रांसलेशन लई दित्ते जाणगे, ठीक है। दो तरह की ट्रांसलेशन आउणी है तुहाडे कोल। पहली जो है इंग्लिश टू पंजाबी, ये मेन कोर्स बुक दे जो 8 लैसनस ने उन्हां विचों आएगी, जो कि आपां इस वीडियो दे विच सारे हुण कवर करांगे। तुसी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स लै सकते हो, ठीक है। तो लर्न कर लो बेटा इन्हों, क्लीयर। तो नैक्सट वीडियो जो हैगी है नाल दी नाल अपलोड कर रहा मैं दोनों वीडियो, उस दे विच तुहाडे कोल पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो जो है 100 सेंटेंसिज ने 100 विचों आएगा तुहाडे कोल, ठीक है। सो पूरे साल का ही ट्रांसलेशन मैं इन्हों दो वीडियोज़ विच कवर कर रहा। आओ आप शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। सो फस्ट लैसन तुहाडे कोल मेन कोर्स बुक दे विच हैगा बेटा द हैप्पी प्रिंस, ठीक है। इस लैसन विचों ये सेंटेंसिज ने वाई आर यू वीपिंग दैन, फिर तुसी रो क्यों रहे हो, इसकी ट्रांसलेशन होगी, इसनों याद कर लो, ठीक है। तो जेकर नियम सीखने ने, रूल्स सीखने ने भी सेंटेंस एवं क्यों बनया, किहड़ा टेंस है, इन टेंस नाल रिलेटेड प्लेलिस्ट है बेटा चैनल पर, उत्थों उत्थों जाओ तुसी प्लेलिस्ट खोलो टेंसिज वाली, सारे नियम चंगी तरह समझाए हुए ने, उत्थों तुहानूं कवर हो जाएंगे। इतने जस्ट मैं ट्रांसलेशन दस रहा, तुसी स्क्रीनशॉट्स जो है लेंदे रहो। वाई आर यू वीपिंग दैन, फिर तुसी रो क्यों रहे हो। दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उन्होंने हैप्पी प्रिंस के बुत को हेठां डेग दिता, यह पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, सैकंड फॉर्म लग इतने, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं दस दिना, आई एम वेटिड फॉर इन इजिप्ट, मेरा मिस्र विच इंतजार हो रहा है। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, इतने बहुत ठंड है। आज ठंड पंजाबी ठीक ले लो, कई बच्चे तो डड्डे नाल लिखणगे जो कि गलत है, ढड्डे नाल ठंड जो है सही लिखा जाता स्पैलिंग पंजाबी। आई हैव अ गोल्डन बैडरूम, मेरे को सौण वाला एक सुनहरी कमरा है। दैन देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बदल नहीं है। दैन अनदर ड्रॉप फैल, फिर एक होर बूंद डिग पई या डिगी, एको गल है कि मर्जी लिख लो इसको। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मैनू हैप्पी प्रिंस कहते सन। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं तुहानू अलविदा कहन आया हाँ। दैन हाओ हंगरी वी आर, असी किन्ने भुखे हाँ। ये जो है सेंटेंसिस दस ने पहले लैसन विचों, लैसन का नाम है द हैप्पी प्रिंस। लैसन नंबर टू, लैसन नंबर टू है मेन कोर्स बुक दे विच वेयर इज साइंस टेकिंग अस। फर्स्ट सेंटेंस है इस दे विच वेयर इज साइंस टेकिंग अस, पंजाबी इसकी बनेगी विज्ञान सानू कित्थे ले जा रहा है। दैन दिस इज़ द एज ऑफ द मशीन, ए मशीनी युग है। उस तो बाद है वॉर इज द वर्स्ट एग्जाम्पल, युद्ध सब तो बुरी उदाहरण है। आई विश आई हैड अनदर 100 ईयर्स, काश मेरे को 100 साल होर होंगे। हियर साइंस इज एक्चुअली डूइंग लैस दैन नथिंग, इतने विज्ञान असल विच कुछ नहीं तो भी घट कर रहा है। दैन हु इज टू कीप दैम, उन्होंने किसने रखना है। साइंस गोज ऑन रेजिंग इट्स प्रॉब्लम्स, विज्ञान अपनियां समस्यावां वधाउंदा जांदा है या वधाउंदा रहिंदा है भी आपां कह सकते हाँ, ठीक है बेटा। साइंस अपन समस्यावान वधाता रहा है या वधा जाता है, क्लीयर। दैन वट इज़ रियली नीडिड इन द वर्ल्ड टूडे, अज दुनिया विच असल विच किस चीज़ की जरूरत है। वट इज़ साइंस रियली आफ्टर, विज्ञान असल विच किस दे पिछे है। इनू एवें भी कह सकते हैं असल विच विज्ञान चाहता की है, एवें भी हो सकता है। वट इज़ इट्स गोल्स, इसका टीचा की है। सो यह थोड़ा लैसन नंबर टू। दैन लैसन नंबर थ्री है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, ही नैवर लॉस्ट इज काम, उसने कदे भी अपनी शांति नहीं गंवाई। आई डिडंट वॉन्ट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता सी। फीयर इज वन ऑफ मैनज मोस्ट कॉमन एनमीज, डर मनुख के सब तो आम दुश्मनों विचों एक हुंदा है। यू आर ग्रेटर दैन यू थिंक, तुसी अपनी सोच तो ज़्यादा महान हो या तुसी अपनी सोच तो कितने महान हो, इस तरह भी हो सकता है। आई वॉन्टिड टू गैट आउट ऑफ देयर, मैं उत्थों बाहर निकल जाना चाहता सी या मैं उत्थों बाहर निकलना चाहता सी, एवें भी लिख सकते हैं। दैन यू विल हैव टोटल पीस ऑफ माइंड,
तद तुहानू पूर्ण मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। देन यू मस्ट डू इट योर सैल्फ, तुहानू ये खुद ही करना चाहिए है। अ फीयर इज नॉट अनलाइक अ घोस्ट, डर भूत तो वक्रा नहीं हुंदा। गॉड वॉचिज ओवर यू एंड केयर्स फॉर यू, परमात्मा तुहाडे उपर पूरी निगरानी अते ध्यान रखता है। दिस इज प्रॉब्लम कॉमन टू अस ऑल, ये साढ़े सारे की सांझी समस्या है, ये साढ़े सारे की सांझी समस्या है। बेटा वीडियो जेकर लाइक नहीं की प्लीज़ लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो, तो जेकर गेटवे टू इंग्लिश चैनल के नवे हो चैनल को सबसक्राइब करना ना भूलना। लैसन नंबर 4 है अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस। हर आईज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली, उस दियां अखां तेजी नाल चमक रही सन। टीयर्स अपीयर इन हर आईज, उस दियां अखां विच हंजू आ गए। डेला लेट फॉल हर ब्यूटीफुल हेयर, डेला ने अपने सुंदर वालों नूं हेठां डिगण दिता। आई सोल्ड द वॉच टू गैट द मनी टू बाय योर कॉम्स, तेरिया कंघियां खरीदने लई पैसे लैण वास्ते मैं घड़ी वेच दिती। विल यू बाय माई हेयर, की तुसी मेरे वाल खरीदोगे। डेला फिनिश्ड क्राइंग, डेला ने रोना बंद कर दिता। इट वॉज अ प्लैटिनम वॉच चेन, एक घड़ी दी प्लैटिनम दी संगली सी। दैन जिम वॉज नैवर लेट, जिम कदे भी लेट नहीं हुंदा सी। शी फाउंड इट एट लास्ट, उसनू अखीर विच ए मिल ही गया। शी स्टॉप्ड एट अ शॉप, वो एक दुकान ते रुकी। सो ए सी लैसन नंबर 4। दैन लैसन नंबर 5, सम ग्लिम्पसेस ऑफ एंशियंट इंडियन थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज द गॉड्स अप्रोच द सेज दधीची, देवता संत दधीची को पहुंचे। दधीची टुक नो टाइम इन लेइंग डाउन हिज लाइफ, दधीची ने अपने जीवन का बलिदान देने विच बिल्कुल देर ना लगाई। ईच ओनली आफ्टर यू हैव शेयर योर मील्स विद अदर्स, मतलब अपना भोजन दूजियां नूं वंडन उपरंत ही छको। अ वेल नोन सेज नेम्ड अष्टावक्रा वॉज ऑलसो इनवाइटेड टू दिस मीटिंग, अष्टावक्र नाम दे एक प्रसिद्ध संत नूं भी इस सभा विच सद्या गया। पास्ट इनडेफिनिट टेंस है, ठीक है, पैसिव वॉइस है, वॉज इनवाइटेड। दैन द एंटायर यूनिवर्स इज वन फैमिली, पूरा ब्रह्मंड एक परिवार है। दिस डजंट बिलोंग टू मी, इसका मेरे नाल कोई संबंध नहीं है। दे चोज टू बी ब्रिक्ड अलाइव, उन्होंने ज्योंदिया ही इट्टां विच चिने जाना चुनिया। The history of this great land is full of examples. इस महान देश का इतिहास उदाहरणों नाल भरिया पिया है। Then the people of this great country believe in the unity of life. इस महान देश के लोग जीवन की एकता विच विश्वास रखते हैं। King Janak of Methil called a meeting of the scholars. मैथिल के राजा जनक ने विद्वानों की एक सभा बुलाई। द लेसन नंबर 6, द होम कमिंग। द बॉयज वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट, मुंडे एक पल लई उलझण विच पै गए। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक ने हिलण तो इनकार कर दिता। दैन फटिक चक्रवर्ती वॉज द रिंग लीडर अमंगस्ट द बॉयज ऑफ द विलेज, फटिक चक्रवर्ती पिंड के मुंडिया का मुखिया सी या लीडर सी, आपां कह सकते हैं मुखिया सी, ठीक है जी। सेंटेंस नंबर 4, ही कुड नॉट बियर दिस इनजस्टिस, ओ ए अन्याय सहन नहीं कर सकया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अजनबी ने उस तो दोबारा पूछया। एट लास्ट बिसंबर आस्क द पुलिस टू हेल्प हिम, आखिर विच बिसंबर ने पुलिस नूं अपनी मदद करन लई कहा। दैन वन डे फटिक लॉस्ट हिज लैसन बुक, एक दिन फटिक अपनी पाठ पुस्तक गवा बैठा। The next morning, Fatik was nowhere was to be seen. Agli sveer, Fatik kithe vi nazar na aaya. December brought in a doctor. December ek doctor nu bula le aaya. Mother, the holidays have come. Mata ya maa, chuttiyan aa gaiyan han. So, ye lesson complete hunda itthe. Lesson number 7 shuru karde haan apan. Is to baad ek lesson ho raha hai. Total 8 lesson ne beta main course book de. सो ये सारे ही मैं तुहानू करवा दिते ने पूरे साल वास्ते, जिवें जिवें टर्म अकॉर्डिंग तुसी इन्हां नूं लर्न कर लियो। फिलहाल नोटबुक ते लिख लो, ठीक है। द सन एंड द प्लैनेट्स विद देयर सैटेलाइट्स फॉर्म अ हैप्पी फैमिली, सूर्य अते उसके ग्रह अपने उपग्रहों समेत एक खुशहाल परिवार बनाउंदे हन। एट नाइट यू सी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, रात समय तुसी आकाश विच हजारां तारे देखदे हो।
रियल स्टार्स आर लाइक आवर सन, असली तारे साडे सूरज वांग हुंदे हन। सो द अर्थ स्टार्टेड टू कूल, इस तरह धरती ठंडी होनी शुरू हो गई। देन स्टार्स ट्विंकल प्लैनेट्स डू नॉट, तारे टिमटमाउंदे हन ग्रह नहीं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ स्टार, कि तुसी एक ग्रह अते एक तारे विच फर्क कर सकते हो? इत्थे क्वेश्चन मार्क लगा लेना बेटा, ठीक है। द मून इज कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, चन नूं धरती दा उपग्रह कहा जाता है। आवर अर्थ बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द सन, साडी धरती साडी धरती सूरज दे परिवार नाल संबंध रखती है। इन रियलिटी आवर सन इटसेल्फ इज अ स्टार, असल विच साडा सूरज खुद एक तारा है। वी थिंक द अर्थ इज वेरी बिग, असी सोचते हैं कि धरती बहुत वड्डी है। लास्ट लैसन है जी मेन कोर्स बुक दे विच, ठीक है बेटा। ये ट्रांसलेशन का पार्ट वन है, पार्ट टू दे विच आपां पंजाबी टू इंग्लिश जो है 100 सेंटेंस जो है कवर करांगे इक्को वीडियो दे विच। यू मे थिंक सो, हो सकता है तुसी इस तरह ना सोचो। यू मे नॉट थिंक सो, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक, मैं जिथे चाहती हाँ उत्थे चलांगी, जां जिथे मैं चाहती हाँ उत्थे चल सकती हाँ, ठीक है। वेयर आई लाइक, आई एम गोइंग टू वॉक, ठीक है, मैं जिथे चाहती हाँ उत्थे चलांगी, जिथे मैं चाहती हाँ उत्थे चलांगी। ही वॉज ऑब्वियसली अ वैल इंटेंशन परसन, वह आदमी स्पष्ट तौर पर दिल का चंगा सी। वी मस्ट बी जुडिशियस मिक्सचर ऑफ बोथ, सानू इन्हां दोहां दा न्यायसंगत मिश्रण होना चाहिए है। द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज़म एंड सैक्रीफाइस आर रेयर, बहादुरी जां बलिदान दे मौके कदी कदी ही आउंदे हन। आई होप माई फ्रेंड इन द रेलवे कैरिज विल रिफ्लैक्ट ऑन दिस, मैनू आस है रेल दे डिब्बे वाला मेरा मित्र इस गल ते विचार करेगा। यू हैव लिबर्टी टू लाफ एट मी, तुहानू मेरा मजाक उड़ाउण दी आजादी है। लिबर्टी इज नॉट अ परसनल अफेयर ओनली बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्वतंत्रता सिर्फ एक निजी विषय नहीं हुंदा बल्कि एक समाजिक समझौता हुंदा है। दैन वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ, हुण सानू स्वतंत्रता मिल गई है। आई मे बी एज फ्री एज आई लाइक, मैं जिस तरह चाहा उस तरह स्वतंत्र हो सकता हाँ जां हो सकती हाँ। सो ये सी तुहाडी बेटा इंग्लिश टू पंजाबी ट्रांसलेशन मेन कोर्स बुक की कंप्लीट मैं तुहानू करवा दित्ती है। ये 80 सेंटेंसिज ने, इन्हां विच्चों ही तुहानू एग्जाम दे विच पुछे जाणगे बेटा, ठीक है बेटा। सो नैक्सट वीडियो भी जरूर देख लेना, उस वीडियो दे विच आपां पंजाबी टू इंग्लिश 100 सेंटेंसिज इक्को वीडियो दे विच मैं तुहानू करवा रहा हाँ, नाल दी नाल अपलोड कर रहा दोनों वीडियो, ठीक है बेटा। सो इस तरह इस चैनल पर बने रहना, तुहाडा पूरा सिलेबस इंग्लिश का बड़ी जल्दी कोशिश करांगे कि 2 महीनों के ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।